सो गाइस द टॉपिक फॉर द डे इज RSTP रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल IEEE स्टैंडर्ड 802.1W। यार देखो, एक टाइम था जब हम क्या यूज करते थे, ये क्या था आपका, ठीक है जी। अब प्रॉब्लम क्या आई, ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो यार, एक्चुअली मेरा जो लेयर 3 है ना, वो बहुत फास्ट था एज कंपेयर टू लेयर 2। मैं क्या कहना चाहता हूँ, अब पहली बात तो आपको ये बात नहीं समझ में आई होगी कि मैं किस पर्सपेक्टिव में कह रहा हूँ कि लेयर 3 फास्ट था एज कंपेयर टू लेयर 2। देखो, इसमें आपको ये बात तो समझ में आई ना, मैं ये कहना चाहता हूँ कि लेयर 2 स्लो है एज कंपेयर टू लेयर 3। देखो, मैंने एक एग्जाम्पल लिया, दिस इज R1, दिस इज R2, ठीक है। इनको मैंने EIGRP नेबर बना दिया, ठीक है। हेलो टाइम EIGRP में कितना होता है, होल्ड टाइम कितना होता है, 15 सेकेंड। इसका मतलब एक राउटर अगर 15 सेकेंड तक दूसरे राउटर की हेलो रिसीव नहीं करता तो अपने नेबर को क्या डिक्लेयर कर देता है, डेड। इतनी बात क्लियर हुई सबको। देखो यार, हम क्या सोचते हैं कि स्विचेस सिर्फ हम यूजर को कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, पर ऐसा जरूरी नहीं। मैनी टाइम्स जब हम नेटवर्क बनाते हैं तो स्विचेस हमारे नेटवर्क के बीच में भी लगते हैं। जैसे कि अगर कुछ नेटवर्क ऐसा बना हो, ये R1 है, ये क्या एक स्विच है, ये कौन है, एक R2, फाइन। तो अब इन दो राउटर्स को स्विच से कनेक्ट करने का लॉजिक क्या था, क्योंकि यार इस सेगमेंट पे मैं 2 से ज्यादा राउटर कनेक्ट करना चाहता था, मल्टी एक्सेस सेगमेंट बनाना चाहता था मैं इसको, ठीक है जी। केस ये भी हो सकता था। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या होगा अगर ये पोर्ट कभी डाउन हो जाता है, इसको अब पाने में कितनी देर लगेगी, 30 सेकेंड। कितनी देर लगेगी फॉरवर्डिंग में आने में, अगर ये पोर्ट एक बार डाउन जाके आप आता है तो EIGRP नेबरशिप कितनी देर तक अपनी आएगी, 30 सेकेंड। इसका मतलब लेयर 3 फास्ट रिस्पॉन्स कर रहा है और लेयर 2 स्लो रिस्पॉन्स कर रहा है। दिस थिंग इज क्लियर। एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको। लेट्स से सिनेरियो कुछ ऐसा है, ये R1 है, स्विच 1, स्विच 2, ये कौन है, R2। दोनों सेम विलन के मेंबर है, विलन 1 के। ये लिंक दोनों के हैं, ट्रंक। STP चलने की वजह से DPO का, ये DPO का, ये RPO का, ये क्या होगा, ब्लॉक। एग्री। अब जैसे ही मेरा RP डाउन जाएगा, इस पर्टिकुलर लिंक को आने में कितनी देर लगेगी, 30 सेकेंड्स लगेंगे। अगर इन दो राउटर्स पे मैंने EIGRP चलाया हुआ है, पहले तो EIGRP मस्त चल रहा था, कोई इशू नहीं आया, जैसे ही ये लिंक डाउन गया, इस पर्टिकुलर लिंक को आने में कितनी देर लग जाएगी, 30 सेकेंड। इसका मतलब EIGRP नेबरशिप 2 बार क्या हो जाएगी, फ्लैप। EIGRP होल्ड टाइमर पूरा हो जाएगा ना, क्योंकि इधर से राउटर हेलो भेजेगा, लिंक की स्टेट में होगा लिसनिंग या लर्निंग स्टेट में, डेटा फॉरवर्ड कभी होगा नहीं और EIGRP नेबरशिप कभी भी नहीं बन पाएगी। इसका मतलब लेयर 3 फास्ट रिस्पॉन्ड कर रहा है किससे, लेयर 2 से। आपने देखा, इसका मतलब मेरे को लेयर 2 को भी क्या बनाना है, फास्ट। अब किसी ने मेरे से ये कहा, सर देखो ये तो आप कर रहे हो बेवकूफों वाली बात, हमने लेयर 2 को फास्ट बना लिया, मेरे पास फीचर्स हैं, अपलिंक फास्ट, बैकबोन फास्ट। गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस बार मैं एक प्रोसेस ही ऐसा बनाऊंगा कि मेरे को इन सब एक्स्ट्रा फीचर्स की जरूरत ना पड़े। देखो, पहले तो आपको प्रोसेस समझना पड़ेगा, फिर उसके क्या समझने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा फीचर्स। और ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप स्विच पे जब एक्स्ट्रा फीचर चलाओगे तो स्विच पे क्या लगेगी, एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग लगेगी, क्योंकि आपने स्विच पे अपलिंक फास्ट चलाया, अपलिंक फास्ट एक्स्ट्रा फीचर, तो स्विच पे क्या लेगा, एक एक्स्ट्रा प्रोसेस लेगा, एक्स्ट्रा मेमोरी लेगा चलने के लिए। बैकबोन फास्ट चलाया, वो भी क्या लेगा, एक्स्ट्रा मेमोरी लेगा। तो मैं क्या चाहता था, एक प्रोसेस ही ऐसा बना दूं जो लेयर 3 से भी क्या हो, फास्ट, जो लेयर 3 से भी क्या हो, फास्ट। तो यार वो टाइम चला गया कि जब मेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम आती थी और मैं कुछ मिनटों में उन प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता था और मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी कहलाई जाती थी। आज के टाइम में अगर कुछ मिनट्स के लिए एक नेटवर्क डाउन हो जाता है, दैट इज अ वेरी बिग इशू। तो मैं नहीं चाहता कुछ सेकंड्स के लिए भी मेरा नेटवर्क क्या हो,
डाउन। दिस थिंग इज क्लियर? तो मैंने कौन सा प्रोटोकॉल बनाया? आरएचटीपी। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड आरएचटीपी में मैंने ऐसा क्या डाला कि उसका प्रोसेस क्या हो गया फास्ट। सबसे पहली बात, अगर मैं पोर्ट स्टेट्स की बात करूं, किस केस में? पीवीएसटी प्लस के केस में कितनी स्टेट्स थी मेरे पास? डिसेबल्ड, लर्निंग, फॉरवर्ड, पांच स्टेट थी मेरे पास। आपको पता है लिस्निंग स्टेट में कितनी देर लगती थी, लर्निंग स्टेट में कितनी देर लगती थी? इसलिए पोर्ट को पाने में टोटल कितना टाइम लग जाता था? 30 सेकंड। पता है आप सबको? अब ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, अगर मैं ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, किस पॉइंट ऑफ व्यू से? ऑपरेशनल का मतलब होता है मैं डेटा के रिगार्डिंग देखता हूं, डेटा के अकॉर्डिंग देखता हूं, डेटा के परस्पेक्टिव देखता हूं। डेटा के परस्पेक्टिव का मतलब मैं देखता हूं भाई कौन सी स्टेट डेटा फॉरवर्ड करने के लिए यूज होगी और कौन सी स्टेट डेटा फॉरवर्ड करने के लिए यूज नहीं होगी। तो यार ये तीन स्टेट्स कभी मैक एड्रेस को लर्न करेंगी? नहीं। डेटा फॉरवर्ड करेंगी? नहीं। और लर्निंग स्टेट की बात करूं, ये मैक एड्रेस को लर्न कर लेगी लेकिन डेटा फॉरवर्ड ये भी नहीं करेगी। तो इन तीन स्टेज का परस्पेक्टिव क्या है? सेम है। जो एंड रिजल्ट मुझे मिल रहा है, माना मैंने तीन अलग अलग स्टेज बना दी, तीन अलग अलग स्टेट्स बना दी, लेकिन मुझे जो एंड में रिजल्ट मिल रहा है वो क्या है? सेम, कि मेरा डेटा भी फॉरवर्ड नहीं हो रहा, मेरा मैक एड्रेस भी लर्न नहीं हो रहा। तो यार तीन स्टेट बनाने का कोई लॉजिक नहीं। तो आरएचटीपी में क्या किया मैंने, इन तीन स्टेट्स को कंबाइन करके एक सिंगल स्टेट बना दी जिसका नाम क्या दे दिया? डिस्कार्डिंग। क्या दे दिया? डिस्कार्डिंग। लर्निंग लर्निंग ही रही और फिर कौन सी आ गई? फॉरवर्डिंग। यार अभी उस बात पे भी आऊंगा कि टाइमर को मैंने कैसे सेव किया, वो प्रोसेस पे चलेंगे तब पता चलेगा तेरे को। मैंने प्रोसेस को कुछ ऐसा मैंने बोला ना, मैं सारा चेंज किसमें किया? प्रोसेस में। मैंने प्रोटोकॉल की चीजें सेम रखी लेकिन कन्वर्जेंस का तरीका बदल दिया, जिससे आरएचटीपी क्या हो गया? फास्ट। तो सबसे पहले तो मैंने नंबर ऑफ स्टेट्स को क्या कर दिया? कम। अब जब लिसनिंग स्टेट ही नहीं रही तो एक टाइमर खत्म हो गया एचटीपी से, फॉरवर्ड डिले टाइमर खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? फॉरवर्ड डिले टाइमर का मतलब क्या था? जो लिसनिंग से लर्निंग स्टेट में आने में टाइम लगता है उस टाइमर को हम क्या बोलते थे? फॉरवर्ड डिले। जब लिसनिंग स्टेट ही नहीं है तो कोई फॉरवर्ड डिले टाइमर अब नहीं होगा। अब माइंड में पता क्वेश्चन क्या आता है, सर लिसनिंग स्टेट में डीपी इलेक्ट होता था, आरपी इलेक्ट होता था, रूट ब्रिज इलेक्ट होता था, अब कब इलेक्ट होंगे सारे? अभी बताऊंगा ये सारे कैसे इलेक्ट होंगे, ठीक है जी। अब दूसरी बात पे आ जाता हूं, पोर्ट रोल्स। पोर्ट रोल्स एसटीपी में क्या थे? किसके पोर्ट रोल्स थे? मैंने आरएचटीपी में कौन से पोर्ट रोल्स डिफाइन किया ध्यान से देखना, डीपी, आरपी, अल्टरनेट पोर्ट, और इस पोर्ट को मैंने क्या बनाया? एक और पोर्ट मैंने डिफाइन किया, बैकअप पोर्ट। डेजिग्नेटेड पोर्ट्स क्या होते हैं? सेम डेफिनेशन, बेस्ट पोर्ट ऑन द सेगमेंट आर कॉल्ड डेजिग्नेटेड पोर्ट्स। पीवीएसटी वाली सेम डेफिनेशन दी मैंने, जो स्विच सेगमेंट पे बेस्ट बीपीडब्ल्यू भेजेगा उसका पोर्ट क्या होगा? डेजिग्नेटेड। रूट पोर्ट क्या होते हैं? यस, वेरी गुड, इट ऑलवेज एग्जिस्ट ऑन नॉन रूट ब्रिज, पहली चीज। दूसरी चीज, इट प्रोवाइड्स बेस्ट पाथ टू रीच रूट ब्रिज। ये दो पोर्ट्स आपको पहले ही पता था। अब आप कहोगे सर हम आरएचटीपी में किसी पोर्ट को ब्लॉक ही नहीं कर रहे, तो लूप बन जाएगा, एग्री। तो हमने क्या किया, ब्लॉक पोर्ट की दो टाइप्स बनाई हैं, क्या क्या? अल्टरनेट और बैक। अल्टरनेट पोर्ट्स क्या हैं?
ओके भूल कैसे क्या था, क्या बात कर दी, सीसीआई नंबर और बर्थ डेट आदमी भूल लेगा इनको भी। ये लो भाई ऐसा कुछ मेरा एक्स्ट्रा कर नहीं है ना, मैं इसमें क्या लिख दिया, चलो ठीक है। अदर कोर्सेज देनो सीसीआई आरएनएस भाई ज्यादा नहीं आता वैसे चाहिए किस लिए, ये बस ऐसे ही ये अटेंडेंस मैं ले लूंगा, आप मेरे को दे दो अभी अभी, मैं थोड़ी देर में दे दूंगा, वरना आप इसको भरते रहोगे, थ्योरी पढ़ा लो जब प्रैक्टिकल कराऊंगा, मैं आपको दे दूंगा ये या फिर मैं गार्ड को दे दूंगा ये कौन सी तुमने देखा गेट खोलियो भाई एक बार तुम भी हंस लो यार थोड़ा सा फटाफट खोल दे एक बार भाई गेट बंद कर यस What are alternate ports? alternate ports. भाई वीडियो भी चल रही थी। चुप रहो। पता लगा थे कौन सेम लगते हैं। सेम क्यों लगते हैं? सारे सरदार सेम लगते हैं। ऐसे थोड़ा होता है भाई। क्या बात कर दी सरदार जी, ऐसे नहीं होता। कभी आपने दोस्ती नहीं बनाई ना इन लोगों से? मेरे दोस्त हैं बहुत सारे। alternate ports क्या होते हैं? alternate ports are alternate ports are, देखो मैं PVST plus में क्या करता था, block port बनाता था, block port किसका काम करते थे, एक backup path कहां तक जाने का, root base तक जाने का, तो इसमें मैंने port को block नहीं रखा, मैंने port को क्या रखा, alternate, क्या रखा, alternate, alternate का मतलब वो क्या है, backup path तक कहां तक जाने के लिए, root base तक जाने के, मैंने अगले port कौन से बनाए, बैकअप पोर्ट्स। अब बैकअप पोर्ट्स को समझने के लिए आपको थोड़ा सा ज्यादा दिमाग चाहिए। ये स्विच लिया मैंने, ये मैंने क्या लगा दिया, एक हब, इस हब से एक वापस वायर वापस स्विच के दूसरे पोर्ट में लगा दी। अब होगा क्या, ये स्विच VPW भेजेगा, ये स्विच दोबारा रिसीव करेगा, ये स्विच इस VPW को दोबारा रिसीव ना करे, इस पोर्ट को किसमें डाल देगा, स्टेट में डाल देगा, ब्लॉक स्टेट में, किस स्टेट में डाल देगा, ब्लॉक स्टेट में। अब इन केस ऑफ RSTP ये पोर्ट ब्लॉक स्टेट में नहीं रहेगा, किस स्टेट में रहेगा, एज अ क्या एक्ट करेगा, बैकअप पोर्ट, क्या एक्ट करेगा, एज अ बैकअप पोर्ट। बैकअप पोर्ट्स क्या होते हैं, बैकअप ऑफ डेजिग्नेटेड पोर्ट्स, बैकअप ऑफ, कि अगर जैसे ये पोर्ट डाउन जाएगा नया DP कौन बन जाएगा, ये तुरंत की बात अभी मैंने नहीं की, कितना टाइम लगेगा उसकी बात अभी हमने नहीं की, मैंने आपको सिर्फ रोल बताए हैं, इंस्टेड ऑफ ब्लॉक पोर्ट मेरे पास यहां पे होंगे ऑल्टरनेट या फिर बैकअप। आपको रियल टाइम में कभी भी बैकअप पोर्ट देखने को नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, ऐसा कभी कोई डायग्राम बनाएगा ही नहीं, कोई ऐसे थोड़ा ना करेगा, एक स्विच पे एक बार लगाएगा वही वायर स्विच के दूसरे पोर्ट में डाल देगा, ऐसा कोई कभी भी नहीं करेगा। जस्ट थिंग इज क्लियर, कोई प्रॉब्लम किसी को इस पर्टिकुलर चीज में, नहीं, आगे चले। तो RSTP में मैंने पोर्ट स्टेट्स कितनी रखी है, तीन, कौन सी, डिस्कार्डिंग, लर्निंग और फॉरवर्डिंग, और रोल्स कितने रखे हैं, चार, डेजिग्नेटेड, रूट, ऑल्टरनेट और बैकअप। दिस थिंग इज क्लियर, अब मैंने RSTP में क्या किया, क्या इंट्रोड्यूस कर दिया, एक न्यू VPD। कैसे, पहले क्या होता था यार, आपको याद है मेरे पास एक फ्लैग होते थे, फ्लैग्स होते थे, टोटल वो कितने बाइट के फ्लैग हैं, एक बाइट, कितनी बिट्स हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो पहले मैं सिर्फ उसमें दो ही बिट यूज करता था, एक बिट यूज होती थी टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन के लिए पहली बिट, और लास्ट बिट यूज होती थी टोपोलॉजी चेंज एक्नॉलेजमेंट के लिए, ठीक है जी। मैं पहले कितनी बिट्स यूज करता था, दो, अब मैं इसमें बाकी छह की छह बिट्स भी क्या करूंगा यूज। ये VPW का वर्जन क्या था,
वन, पीवीएसटी प्लस के पीपीटू का वर्जन क्या था वन, सीएसटी का था जीरो, आरएसटीपी के पीपीटू का वर्जन क्या रखा मैंने, क्या वर्जन है टू। प्रोटोकॉल टाइप भी क्या होती है, प्रोटोकॉल टाइप एक फील्ड होती है ना बीपीडू में, वहां भी वैल्यू क्या मिलेगी आपको टू। अब मैंने इन छह बिट्स को कैसे यूज किया, सबसे पहली बिट बताती है ये मैसेज क्या है, प्रपोजल है या फिर एग्रीमेंट है, और ये बिट ऑन होती है जब ये मैसेज क्या होता है एग्रीमेंट। ठीक है जी, एक बिट क्या डिफाइन कर रही है प्रपोजल, और दूसरी बिट क्या डिफाइन कर रही है अभी प्रपोजल और एग्रीमेंट क्या होता है आपको समझ में आ जाएगा जब मैं किसकी बात करूंगा आरएसटीपी कन्वर्जेंस की, कि आरएसटीपी इलेक्शन कैसे करता है। दूसरी बिट में मैं क्या बताऊंगा कि मेरी स्टेट क्या है। ठीक है जी, स्टेट कैन बी सॉरी मेरा रोल क्या, रोल क्या क्या हो सकता है, डीपी हो सकता है, आरपी हो सकता है, ऑल्टरनेट हो सकता है या फिर बैकअप हो सकता है। और अगली दो बिट यूज करता हूं मैं ये बताने के लिए कि मेरी स्टेट क्या है, स्टेट मतलब इट कैन बी लर्निंग एंड इट कैन बी फॉरवर्डिंग। एक बिट यहां पे कैसी है अनयूज्ड। ठीक है, वैसे ये एक्चुअली अनयूज्ड नहीं है, ये जिसने ये डॉक्यूमेंट बनाया सिस्को में शायद उससे गलती हो गई, एक्चुअली ये पोर्ट रोल को डिफाइन करने के लिए ना उसने वैल्यूज दी हुई है 00 01 10 11। तो ये कितनी बिट्स आ रही है टोटल, दो। कितनी बिट्स हैं टोटल, दो। तो एक्चुअली पोर्ट रोल को डिफाइन करने के लिए वो कितनी बिट यूज कर रहा है, दो बिट्स। तो टोटल कितनी हो गई, आठ बिट्स। एक बिट अनयूज नहीं होती, अगर आप कहीं देखोगे तो वहां आपको क्या दिखेगा, एक बिट क्या अनयूज, पर असली में ऐसा नहीं है। उसने पोर्ट रोल को डिफाइन करने के लिए कितनी बिट्स यूज की है, दो। जस्ट थिंग इज क्लियर, नया बीपीडू समझ में आया, बाकी सब कुछ बीपीडू में क्या है सेम है, बाकी हर चीज बीपीडू में क्या है सेम। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब देखो जी, इलेक्शन को फास्ट करने के लिए आरएसटीपी में सबसे पहले तो क्या डिफाइन किए गए, क्या डिफाइन किया, पोर्ट टाइप्स। दो तरह के पोर्ट्स होते हैं आरएसटीपी में, नॉन एज पोर्ट्स या फिर क्या होते हैं एज पोर्ट्स। एज पोर्ट्स कौन से पोर्ट्स होते हैं, ऑन द पोर्ट्स ऑन विच यू एनेबल व्हाट पोर्ट फास्ट आर एक्टिंग एज नॉन एज पोर्ट्स। ऑन द पोर्ट्स ऑन विच यू एनेबल पोर्ट फास्ट आर एक्टिंग एज नॉन एज पोर्ट सॉरी आर कॉल्ड एज पोर्ट्स। अब एज पोर्ट्स डिफाइन करने का लॉजिक क्या था, एक बात बताओ यार, अगर मैं एक स्विच को स्विच से कनेक्ट कर रहा हूं बट कभी भी बीच का लिंक पोर्ट फास्ट एनेबल्ड होगा, नहीं होगा। इसका मतलब जो मेरे को आरएसटीपी का इलेक्शन करना है, मुझे पहले पता होगा मेरे को सिर्फ कौन से पोर्ट्स पे करना है, नॉन एज पोर्ट्स। मैं कभी भी आरएसटीपी इलेक्शन कौन से पोर्ट्स पे नहीं करूंगा, एज पोर्ट्स पे। दिस थिंग इज क्लियर, क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने पहले उनको क्या बना दिया है एज। एज का मतलब मैंने स्विच को पहले ही बता दिया पोर्ट फास्ट एनेबल करके कि इन पोर्ट्स पे एक्चुअली कोई स्विच कनेक्टेड नहीं है, कौन कनेक्टेड है, यूजर। और नॉन एज पोर्ट्स को कौन से होते हैं, पोर्ट्स बिटवीन स्विचेस आर एक्टिंग एज नॉन एज पोर्ट्स। जो पोर्ट राउटर से कनेक्टेड होगा वो भी कैसा होगा, एज पोर्ट। या तो वो किसी वीलन का मेंबर होगा, अगर ट्रंक होगा तो वो कैसा एक्ट कर रहा होगा, नॉन एज। दिस थिंग इज क्लियर। तो जितने भी एक्सेस पोर्ट्स होंगे आपके स्विचेस पे, जिन पे आपने क्या कॉन्फिगर कर रखा है पोर्ट फास्ट, दे विल बी एक्टिंग एज एज पोर्ट। इतनी बात समझ में आई सबको, ठीक है जी। अब एक और चीज डिफाइन की गई आरएसटीपी में, क्या बोलते हैं उसको, लिंक्ड। आरएसटीपी क्या बोलता है कि भाई
P2P पढ़ा था आपने, पढ़वाया था ना मैंने आपको, शो स्पैनिंग ट्री में लास्ट में लिखा होता है P2P। P2P का मतलब क्या होता है? लिंक किस मोड में काम कर रहा है? फुल डुप्लेक्स। RHTP क्या बोलता है कि मैं वर्क में ही तभी आऊंगा जब लिंक टाइप क्या होगी, अगर आप लिंक टाइप फुल डुप्लेक्स नहीं रखते तो RHTP उस पोर्ट पे काम कभी भी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? रीजन आता है अब यहां, कंडीशन आती है अब ये, क्यों RHTP शेयर्ड मीडिया पे काम क्यों नहीं करता? शेयर्ड मीडिया का मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूं, हाफ डुप्लेक्स पे काम क्यों नहीं करता? हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है कोई मुझे बता सकता है? एट द सेम टाइम एक डिवाइस सेंड करेगा, एग्री? एट द वन टाइम एक डिवाइस ही सेंड करेगा। इतनी बात समझ में आई? अभी आपको थोड़ी देर में रीजन पता चल जाएगा कि RHTP हाफ डुप्लेक्स पे काम क्यों नहीं कर सकता। और याद रखना, अगर दो स्विचेज हैं उनके बीच में आपने शेयर्ड मीडिया चला दिया, ठीक है, इन पर्टिकुलर लिंक्स पे मोड क्या है? हाफ डुप्लेक्स। तो इनमें RHTP नहीं चलेगा, क्या चलेगा? अपने आप वो अपने आप को किसमें कन्वर्ट कर लेगा? PVST प्लस में। अगर क्या चल रहा है? हाफ डुप्लेक्स। दिस थिंग इज फाइन। एरर हम सिर्फ RHTP के परस्पेक्टिव बात कर रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम होगी, यूजर के परस्पेक्टिव क्या प्रॉब्लम होगी अगर हाफ डुप्लेक्स में होगा। तो यूजर के एंड पे एक प्रोटोकॉल चल जाता है CSMA CD। CSMA CD क्या होता है शायद आपको पता होगा, आपने CCNA में पढ़ा होगा, फाइन। अब मेरा मोटिव क्या, आपको ये समझाना कि RHTP कन्वर्ज कैसे करेगा। कन्वर्जेंस का मतलब है सारा इलेक्शन प्रोसेस, ध्यान से समझना। आप देखो लेट से कुछ ऐसे टोपोलॉजी है मेरे पास, फाइन। इलेक्शन स्टार्ट होंगे, इलेक्शन क्या होंगे? स्टार्टिंग में सारे स्विचेस अपने आप को क्या समझते हैं? रूट ब्रिज। ये स्विच क्या करेगा? ये इसका नॉन एज पोर्ट है, और ये इसका क्या है? नॉन एज पोर्ट। और ये इसका कौन सा पोर्ट है? कौन सा पोर्ट है? एज पोर्ट, क्योंकि यहां पर कौन कनेक्टेड है? यूजर। हर स्विच क्या करेगा? अपने नॉन एज पोर्ट से क्या सेंड करेगा? एक BPDU। क्या सेंड करेगा? एक इसका वर्जन क्या होगा? 2। अब BPDU में मैंने नई चीजें क्या क्या ऐड कराई थी? एक तो पोर्ट की स्टेट, दूसरा पोर्ट का रोल, तीसरा पोर्ट का या वो प्रपोजल है या फिर एग्रीमेंट। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड होगा क्या, हर स्विच बाय डिफॉल्ट अपने नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट से एक प्रपोजल भेजेगा। क्या भेजेगा? एक प्रपोजल। ए ने बी को प्रपोजल भेजा, बी ने ए को प्रपोजल भेजा, ठीक है। अब सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है, कभी भी प्रपोजल कौन से पोर्ट से नहीं जाएगा? एज पोर्ट से। कौन से पोर्ट से नहीं जाएगा? सिर्फ मैं कौन से पोर्ट से प्रपोजल भेजूंगा? नॉन एज पोर्ट से। मैंने प्रपोजल भेजा, जो स्विच एक सुपीरियर प्रपोजल रिसीव करेगा, क्या रिसीव करेगा? एक देखो, ए ने प्रपोजल भेजा, स्टेट क्या भेजी पहली बात तो अपनी, कि मैं किस स्टेट में हूं। रोल क्या भेजा? मैं क्या हूं? डेजिग्नेटेड हूं, क्योंकि मैं BPDU क्या कर रहा हूं? सेंड कर रहा हूं। और मेरी स्टेट क्या है? लेट से मेरी स्टेट है, स्टेट क्या है मेरी? लर्निंग, ठीक है जी। अब उसने बोला मेरी लर्निंग स्टेट है, और मैं क्या सेंड कर रहा हूं? BPDU। और मैंने दूसरी बात क्या बोली कि जो स्विच सुपीरियर प्रपोजल क्या करेगा? रिसीव। अब ए ने बी को प्रपोजल भेजा, बी ने ए को प्रपोजल भेजा, जैसे बी का प्रपोजल ए के पास आया, ए को पता चल गया तू तो फुद्दू है भाई, और क्या तेरा BPDU मेरे से बेस्ट नहीं है। जैसे ही ए का प्रपोजल बी के पास आया, बी को पता चल गया भाई खुदा मिल गए, तभी बी क्या सेंड करेगा इसको? एक सेंड करेगा? एक एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या होता है अगर मैं असली में बताऊं आपको, जो BPDU ए ने बी को भेजा है, उस सेम BPDU को, उस सेम BPDU को ए को क्या कर देगा? वापस भेज देगा। सिर्फ उसमें एग्रीमेंट बिट क्या कर देगा? सेट कर देगा। और प्रपोजल बिट क्या कर देगा? ऑफ कर देगा। एक तरह की क्या हो गई है? एक्नॉलेजमेंट हो गई। और जिससे ए को पता चल जाएगा, हाँ भाई इसने रूट किसको माना है? मुझे ही मानना है,
बट एट द सेम टाइम जब ये एग्रीमेंट भेजेगा अपने नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट्स को, बाकी बचे हुए को किन स्टेट में डाल देगा? डिस्कार्डिंग स्टेट में. किस स्टेट में? डिस्कार्डिंग स्टेट में. के लूप कभी फॉर्म ना हो. क्यों यार? मैं एक टाइम पे दो लोगों को एग्रीमेंट नहीं भेज सकता. तुम एक टाइम पे दो लोगों को थोड़ा ना कह दोगे तुम रूट हो. इज इट पॉसिबल? नहीं. तुम एक टाइम पे सिर्फ एक ही स्विच को बोल सकते हो क्या कि तुम मेरे कौन हो? रूट हो. या तो ए को या फिर डी को या फिर बी को, जो भी स्विच नीचे है दोनों में से रूट मैं एक टाइम पे एक को ही मानूंगा. तो जिस जो मेरे को बेटर बीपीडी भेज देगा मैं बाकी सारे पोर्ट्स को किस स्टेट में रख दूंगा? डिस्कार्डिंग स्टेट में. और उसको क्या भेज दूंगा? एग्रीमेंट. एग्रीमेंट भेजते ही ये स्विच का पोर्ट क्या बन जाएगा? डेजिग्नेटेड. और किस स्टेट में आ जाएगा? फॉरवर्डिंग में. और अपने यही पोर्ट को क्या बना लेगा? रूट पोर्ट. और किस स्टेट में आ जाएगा? फॉरवर्डिंग में. कोई लर्निंग में 15-15 सेकंड वेस्ट नहीं होंगे. अब क्या होगा? जैसे इसका रूट पोर्ट बनेगा ये अपने इन पोर्ट्स को दोबारा किस स्टेट में लाएगा? अपने फॉरवर्डिंग में लाएगा. और इन दोनों पोर्ट से क्या भेजेगा? एक दोबारा प्रपोजल. पहली बात तो अब ऐसा नहीं होगा कि ए जो बीपीडी भेज रहा है वो आगे फ्लड हो रहा है. नहीं, हर स्विच अपना क्या जनरेट करेगा? बीपीडीयू. अब कई लोग पता क्या सोचते हैं, सर अगर ए अपना बीपीडीयू जनरेट करेगा, बी अपना बीपीडीयू जनरेट करेगा, तो बी तो हमेशा अपने आप को रूट कहेगा. भाई ए और बी के बीच में इलेक्शन हो गया ना, बी को पता चल गया रूट कौन है? ए. तो वो बी जो बीपीडीयू जनरेट करेगा उसमें रूट ब्रिज आईडी किसकी रखेगा? ए की. कॉस्ट क्या बताएगा? किस तक पहुंचने की बताएगा? रूट ब्रिज तक पहुंचने की. उसको कॉस्ट पता है ना. और अब बी जो बीपीडीयू है खुद जनरेट करेगा, वो ए वाले बीपीडीयू को रिले नहीं करेगा. बी ने अपना प्रपोजल भेजा किसको? सी को भी और डी को भी. सी और डी के पास प्रपोजल आया, सी और डी ने भी अपना क्या भेजा? प्रपोजल भेजा. लेट से इसके नीचे और स्विच था, कौन सा? ई. तो सी ने क्या किया? इसको वापस एग्रीमेंट भेजा. लेकिन एग्रीमेंट भेजने पहले अपने नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट को क्या कर दिया? डिस्कार्डिंग स्टेट में डाल दिया. ठीक है जी. तो ये पोर्ट अब इसका क्या बन गया? रूट पोर्ट. और किस स्टेट में आ गया? फॉरवर्डिंग में. और ये क्या बन गया? नया डेजिग्नेटेड पोर्ट. और किस स्टेट में आ गया? फॉरवर्डिंग में. ये भी नया क्या बन जाएगा? डीपी. और ये नया क्या बन जाएगा? आरपी. ऐसे टोपोलॉजी टाइम टू टाइम क्या होती जाएगी? कन्वर्ज. तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये कब कन्वर्ज हुई थी? टी जीरो पे जब टाइम था 0 सेकंड. ये कब कन्वर्ज हुई थी? टी वन पे जब टाइम था 1 सेकंड. मतलब एक टाइम गैप बता रहा हूं आपको. ऐसा नहीं होगा कि सारी टोपोलॉजी क्या हो जाएगी एक साथ कन्वर्ज हो जाएगी. मेरे को एक पॉइंट से इलेक्शन क्या करने पड़ेंगे? स्टार्ट. और दूसरे पॉइंट पे इलेक्शन क्या होंगे? एंड. ठीक है. अब आप कहोगे सर आपने ये तो ऐसे समझा दी, स्विचेस कैसे समझेंगे? स्विचेस भी तो ऑन होंगे भाई. लेट से अब आप एक डायग्राम बनाओ, मैं उस पर आपको एसटीपी कन्वर्ट करके दिखाता हूं. आरएसटीपी. लेट से एक डायग्राम था कुछ ऐसा. यही डायग्राम है मेरा. कहां से स्टार्ट करना है भाई? मुझे तो वहीं से स्टार्ट करना ही पड़ेगा. अब जहां से कहोगे मैं वहां से स्टार्ट कर दूंगा. मुझे तो कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना ही पड़ेगा ना. ऐसा तो होगा नहीं कि भाई मैं आपको ऐसे ही बता दूंगा हाँ भाई सही में स्विचेस कैसा बिहेव कर रहे हैं. क्योंकि मैं स्विच नहीं था ना कभी, मैं फील नहीं कर पाया उस चीज को. तो मैं स्टार्ट कर लेता हूं किससे? बी से. आप कहो तो किससे? डी से. ठीक है भाई. अब देखो अपने आप आपको सबको समझ में आ जाएगा. अब डी अपने इन दोनों पोर्ट से सबसे पहले क्या भेजेगा? सी भी अपने इस पोर्ट से क्या भेजेगा? प्रपोजल. ठीक है जी. डी को पता चल जाएगा बेटर कौन है. सी. सी का पोर्ट क्या बन जाएगा? डीपी. इसका पोर्ट क्या बन जाएगा? आरपी. बात किस तक? अब सी पे जाएगी. सी क्या अब इलेक्शन किसके साथ करेगा? ए के साथ. अब सी में जब अपना बीपीडी भेजेगा रूट ब्रिज आईडी किसकी भेजेगा? अपनी. सी ने इसको प्रपोजल भेजा, ए ने इसको क्या भेजा? प्रपोजल भेजा. सी इसको क्या भेजेगा? अब एग्रीमेंट. अब सी के लिए रूट कौन बन जाएगा? ए. इसका बोर्ड क्या बन जाएगा? डीपी. और इसका बोर्ड क्या बन जाएगा? आरपी. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक बहुत आसान सी बात बोल रहा हूं जो आपको समझनी है. सी पहले जो इसको बीपीडी भेज रहा था, प्रपोजल भेज रहा था, कंटिन्यूसली भेज रहा था ना प्रपोजल, जो अपना बीपीडी भेज रहा है बार 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 भेजे जा रहा क्योंकि बीपीडी भेजने का टाइम अभी भी क्या है? 2 सेकंड. उसमें रूट ब्रिज कौन था? सी खुद था. अब जो बीपीडी जाएगा उसमें रूट ब्रिज कौन होगा? ए. और डी को पता चल जाएगा हाँ भाई
मेरी कॉस्ट क्या है रूट ब्रिज तक पहुंचने की, और असली रूट ब्रिज एक्चुअली कौन है ए। ठीक है जी, अब ए और किसके बीच में इलेक्शन होगा, बी के बीच में, ए का पोर्ट क्या बन जाएगा डीपी और बी का पोर्ट आरपी। अब बी क्या करेगा, इसको एक प्रपोजल भेजेगा और डी भी इसको क्या भेजेगा अपना एक प्रपोजल भेजेगा। बी कहेगा ट्राई टू अंडरस्टैंड, अब बी क्या कहेगा, बी बी ने प्रपोजल भेजा, बी के इस पोर्ट पे प्रपोजल रिसीव होगा, ये कहेगा भाई मेरे को इधर से भी एक बीपीडब्ल्यू मिल रहा है जिसमें कॉस्ट क्या है 38, इधर से भी एक बीपीडब्ल्यू मिल रहा है जिसमें कॉस्ट क्या है 38, कॉस्ट दोनों तरफ से क्या कर रही है टाई कर रही है, मैं क्या देखूंगा सेंडर ब्रिज आईडी, सेंडर ब्रिज आईडी बेटर किसकी होगी, बी के। तो इस पोर्ट को क्या बना देगा रूट पोर्ट, और इस पोर्ट को क्या रखेगा, क्या रखेगा ऑल्टर। तो भाई ये क्या है, ऑल्टरनेट रास्ता कहां तक जाने का, रूट ब्रिज तक जाने का, और ये क्या है मेन रास्ता कहां तक जाने का, रूट ब्रिज तक जाने का। तो इस तरह से क्या होंगे इलेक्शन, कोई लर्निंग स्टेट में 15 सेकंड वेस्ट नहीं होंगे, कोई लिसनिंग स्टेट में 15 सेकंड वेस्ट नहीं होंगे, साइमल्टेनियसली नहीं हो रहा तो नहीं, एक टाइम पे एक जगह, फिर दूसरे टाइम पे दूसरी जगह, तीसरे टाइम पे जैसे कोई तीसरी जगह। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि एक टाइम पे एक स्विच, एक ही स्विच को रूट ब्रिज मानता है, और उस टाइम पे अपने नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट्स को क्या कर देता है डिस्कार्डिंग स्टेट में डाल देता है, लूप को प्रिवेंट करने के लिए। हाँ जी, सर इसमें डिस्कार्डिंग कब लगा होगा, मतलब फर्स्ट टाइम जब डी और सी के बीच में हुआ होगा हाँ जी, तो डी का जो सेकंड पोर्ट होगा उसको डिस्कार्डिंग में हाँ डाला जी, तभी वहां से प्रपोजल कभी भी रिसीव नहीं हो पाया। सर, सारे 8 टाइम ऑन होते हैं, हाँ सब 15-16 लगा हुआ है, तो कैसे पता चले उसी एंड में चल रहा है तो कुछ ठीक है, तो तुम इधर से भी इलेक्शन स्टार्ट कर दो, इधर से भी इलेक्शन स्टार्ट कर दो, कर दो, बीच में जब इलेक्शन आएगा पापा तो एक ही होंगे ना, मतलब तो या इधर वाले जोन को इधर वाले जोन की बात माननी पड़ेगी, या इधर वाले जोन को इधर वाले जोन की बात माननी पड़ेगी, रूट ब्रिज तो एक ही होगा ना। इसमें भी रूट ब्रिज वैसे ही डिसाइड होगा, लूप राइट एंड लूप राइट। हाँ जी, रूट ब्रिज डिसाइड करने का तरीका सेम है, रूट पोर्ट डिसाइड करने का तरीका सेम है, लेकिन प्रोसेस थोड़ा सा चेंज है, कि उसमें क्या होता था रूट ब्रिज ही ऐसा स्विच था जो बीपीडी को क्या करता था रिले, इसमें क्या होता है हर स्विच क्या सेंड करता है अपना बीपीडी, क्या सेंड करता है अपना बीपीडी। अब रूल क्या है अभी हम पढ़ते हैं इस चीज को भी। नहीं, मैंने आपको बताया ना, जब मैं एक स्विच के साथ इलेक्शन कर रहा हूं और जब मैं एक स्विच को एग्रीमेंट भेज रहा हूं, उस टाइम में अपने बाकी पोर्ट्स को किस स्टेट में डाल देता हूं डिस्कार्डिंग स्टेट, क्योंकि मैं एक टाइम पे दो स्विचेस को बेटर नहीं मान सकता ना, प्रॉब्लम ही आएगी। अगर जैसे अब बी है ना, बी वो ए का भेजेगा ना इसको बीपीडीओ, यार ए का नहीं भेजेगा, फिर मैं वही बात बोल रहा हूँ, ए ने अपना बीपीडीओ भेजा बी को, बी ने रख लिया अपना, अब बी ने अपना बीपीडीओ बनाया है जो किसको भेज रहा है वो डी को, जिसमें रूट ब्रिज आईडी किसकी है ए की। ठीक है जी, हाँ जी, ऐसे तो हमारा नेटवर्क में नंबर ऑफ स्विचेस ज्यादा होते हैं और एक कन्वर्जेंस टाइम ज्यादा होता है ना, तो यार नंबर ऑफ स्विचेस ज्यादा करूंगा ही क्यों, मैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पता है क्या रिजॉल्व हो गई, डायमीटर का कोई इशू नहीं है अब, क्योंकि टाइमर्स मैं यूज ही नहीं कर रहा, आई एम नॉट यूजिंग फॉरवर्ड डिले टाइमर, मैक्स एज टाइमर और एनी टाइमर्स व्हिच वर यूज्ड इन PVST प्लस, देर इज नो प्रॉब्लम विद डायमीटर, यू कैन यूज एनी नंबर ऑफ स्विचेस यू वॉन्ट टू यूज, और अभी आपको सिर्फ ये लग रहा है कि प्रोसेस ज्यादा टाइम लेगा, लेकिन जब मैं इसको आपको इसकी टोपोलॉजी चेंज के बारे में पढ़ाऊंगा ना, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। अभी आ जाते हैं उस बात पे भी। हाँ जी, हाँ जी, देखो इट्स लाइक दिस, ये स्विच ए है, ये स्विच बी है, ए ने भी प्रपोजल भेजा, बी ने भी प्रपोजल भेजा, इसका मैगेटर्स क्या है ए, इसका मैगेटर्स क्या है बी, इसकी प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट क्या है 32768, इसकी प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट क्या 32768। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था, यू जो स्विच सुपीरियर बीपीडीयू रिसीव करेगा, सुपीरियर ए ही भेजेगा ना बी का सुपीरियर थोड़ा ना, जो स्विच सुपीरियर बीपीडीयू रिसीव करेगा वो वापस क्या भेज देगा एग्रीमेंट, एग्रीमेंट किस बात का के भाई हाँ मैंने तेरे को क्या मान लिया रूट, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं सिंक, के स्विचेस आपस में क्या परफॉर्म कर रहे हैं सिंक्रोनाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन मतलब क्या चल रहा है इलेक्शन। और पूछो कुछ, तो ये सुपीरियर बीपीडीयू प्रायोरिटी के बेसिस पे होगा ना, प्रायोरिटी प्लस मैगेटर जिसको आप क्या बोलते हो ब्रिज, ठीक है जी, कॉस्ट
हर चीज सेम तरीके से काम करेगी जो पहले कर रही थी। आ जाओ चले आगे, पढ़ना पड़ेगा यार इसको एक बार, मैंने बहुत संयम रख के समझाया आपको, ठीक है जी। अब देखो इतनी बात हुई, इलेक्शन हो गया, इलेक्शन होने के बाद क्या होगा, अब बात करते हैं किसके बारे में, टोपोलॉजी चेंज के बारे में। लेट्स से ये स्विच ए है, ये बी है और ये सी है, डीपी आरपी डीपी ब्लॉक डीपी आरपी, ये ब्लॉक की जगह मैं क्या मान लेता हूँ इसको ऑल्टरनेट, ठीक है। अगर आप अपने पीवीएसटी प्लस के केस में भी देखते हो तो वहां पे भी रोल क्या लिखा होता है, एएलटी लिखा होता है, एएलटी का मतलब क्या होता है ऑल्टरनेट, ठीक है जी। और स्टेट क्या होती है उस टाइम पे, ब्लॉक, ठीक है। आरएसटीपी में भी सेम तरीके से दिखाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनो, मेरा ये रूट पोर्ट डाउन चला गया, जैसे ही मेरा ये रूट पोर्ट डाउन जाएगा ये ब्लॉक पोर्ट एट द ऑल्टरनेट पोर्ट एट द सेम टाइम क्या बन जाएगा, रूट पोर्ट, कभी भी मैं 30 सेकंड के लिए वेट नहीं करूँगा। इसका मतलब इस केस में नो नीड ऑफ अपलिंक फास्ट, अपलिंक फास्ट चलाने की कोई जरूरत नहीं, पहला केस, ठीक है। दूसरा केस ए बी सी डीपी आरपी डीपी आरपी डीपी ब्लॉक, हमारे केस में क्या होता था, जब ये स्विच का एक लिंक डाउन होता था ये स्विच क्या सेंड करता था, एक क्या सेंड करता था, एक इनफीरियर बीपीडी। इसमें रूल क्या है, अगर मेरे ब्लॉक पोर्ट पे या फिर एक रूट पोर्ट पे कभी भी इनफीरियर बीपीडी रिसीव होगा, मैं एट द सेम टाइम उस बीपीडी को क्या कर लूंगा, क्या कर लूंगा एक्सेप्ट। पहले मैं कितनी देर के लिए वेट करता था, मैक्सेज टाइम के लिए, इसका मतलब इस केस में मैं कभी भी मैक्सेज टाइम के लिए वेट नहीं करूंगा। जैसे क्या रिसीव होगा, एक इंफीरियर बीपीडी मेरे रूट पोर्ट पे या फिर ब्लॉक पोर्ट पे। हमने बैकबोन फास्ट के केस में डिस्कस किया था ना, पहला केस लिया था कि हमने हमारा इंफीरियर बीपीडी ब्लॉक पोर्ट पे रिसीव हो रहा है, दूसरा केस लिया था इंफीरियर बीपीडी रूट पोर्ट पे रिसीव हो रहा है, तो हर केस में वो किसके लिए वेट करता था, मैक्सेज टाइमर के लिए। इस केस में कभी भी वो मैक्सेज टाइमर के लिए वेट नहीं करेगा, जैसे इंफीरियर बीपीडी रिसीव होगा साथ के साथ क्या कर लेगा ऐसे, मतलब बैक बोन फास्ट की भी कोई जरूरत नहीं। दूसरी प्रॉब्लम रिजॉल्व। तीसरी बात, स्विच ए स्विच बी स्विच कनेक्टेड थे आपस में, डीपी आरपी डीपी आरपी डीपी ब्लॉक। मैं बोल रहा हूं ए बीपीडी भेज तो रहा है लेकिन सी को मिल नहीं रहे, सी कितनी देर वेट करेगा, सिर्फ फॉर थ्री हेलो मैसेज इसके टाइमर की जितनी वेट करेगा। हेलो मैसेज एक का टाइम कितना होता है, दो सेकंड, टू इंटू थ्री 6 सेकंड। अगर 6 सेकंड तक अगर मेरे को एक लिंक पे बीपीडी रिसीव नहीं होता, बात खत्म, तभी क्या जनरेट कर दूंगा, टोपोलॉजी चेंज। अब इसमें टोपोलॉजी चेंज कैसे काम करती है ध्यान से देखो, इसका टोपोलॉजी चेंज है बहुत ही बढ़िया और बहुत ही रैपिड और बहुत ही फास्ट, तभी इसका नाम क्या है, रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। गजिया उड़ाता हुआ जाएगा सबकी, ए बी सी डी कन्वर्ज करना टोपोलॉजी को, ये टोपोलॉजी है, ये लिंक क्या हुआ डाउन हुआ, बी ने क्या जनरेट कर दिया टीसीएन, बी अब टीसीएन जनरेट करेगा ना, ऐसा नहीं है बी टीसीएन पहले रूट तक पहुंचाएगा, ऐसा नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं पीवीएसटी प्लस के केस में क्या होता था, ट्राई टू अंडरस्टैंड नाउ, पीवीएसटी प्लस के केस में जो स्विच टीसीएन को टोपोलॉजी चेंज को एक्सपीरियंस करता था वो क्या करता था, अपने अपने आप एक क्या जनरेट करता था, बीपीडीयू जो पहले कहां तक, टीसीएन बीपीडीयू जो पहले कहां तक जाता था, रूट तक। अब रूट क्या करता था, फॉरवर्ड डिले, क्या करता था, फॉरवर्ड डिले प्लस मैक्सेज टाइमर तक
कितना टाइमर तक? फॉरवर्ड डिले प्लस मैक्स एज टाइमर तक, मतलब टोटल कितना टाइम हो गया? 45 सेकेंड, 35 सेकेंड, सॉरी 20 प्लस 15, टोटल कितना टाइम हो गया? 35 सेकेंड तक अपने कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू में कौन से बिट सेट करके भेजता रहा? पीसीएन बिट। कौन से बिट सेट करके भेजता रहा? कितनी देर तक? 35 सेकेंड तक रूट ब्रिज भेजता रहता रहा, भेजता रहता रहा, जिससे हर स्विच को क्या लगता रहा? टोपोलॉजी में क्या हो गया? चेंज हो गया। ठीक है, इस केस में क्या होगा? बी ने टोपोलॉजी चेंज को एक्सपीरियंस किया, बी ही एक बीपीडीयू जनरेट कर देगा। इसमें कौन से बिट सेट कर देगा? टीसीएन बिट, और हर स्विच को इन्फॉर्म कर देगा कि एट द सेम टाइम अपनी मैक एड्रेस टेबल को क्या कर दो, क्या कर दो? नहीं नहीं ये पोर्ट ब्लॉक है, अल्टरनेट, ये लिंक डाउन नहीं हुआ। मैंने लिंक कौन सा डाउन किया? बी और डी वाला। दिस थिंग इज क्लियर? कोई प्रॉब्लम किसी को? तो ये इसका नया रूट पोर्ट आएगा, एट द सेम टाइम बन जाएगा रूट पोर्ट भी, जैसे ब्लॉक रूट पोर्ट डाउन जाएगा, अल्टरनेट पोर्ट क्या बन जाएगा? नया रूट पोर्ट, और बी क्या जनरेट कर देगा? टीसीएन। टीसीएन हर स्विच के पास जाएगी, हर स्विच उसे रिसीव करेगा, रिसीव करते ही अपनी मैक एड्रेस टेबल क्या कर देगा? फ्लश कर देगा। ठीक है भाई, तो रैपिड है। एक प्रॉब्लम थी मेरे से, कभी किसी ने क्वेश्चन पूछा, सर एक बात बताओ, अगर एक टीसीएन जनरेट हो रही है, पहली बात तो इसमें यह प्रॉब्लम नहीं है कि अगर यूजर अपने आप को कनेक्ट और डिसकनेक्ट करता है टीसीएन जनरेट होगा, क्योंकि उस पोर्ट में पहले क्या एनेबल किया हुआ है मैंने, पोर्ट फास्ट, और उन पोर्ट्स को क्या बना रखा है? एज पोर्ट्स। इसका मतलब एज पोर्ट्स के लिए कभी भी टीसीएन जनरेट नहीं होगा। टीसीएन सिर्फ कौन से पोर्ट्स के लिए जनरेट होगा? नॉन एज पोर्ट्स के लिए। पहली बात तो यहां क्लियर हो गई है। अब किसी ने मेरे से क्वेश्चन किया, सर अगर एक स्विच का लिंक डाउन जाता है तो वो टीसीएन जनरेट करेगा, जिसकी वजह से सारे स्विच टोपोलॉजी में अपनी मैक एड्रेस टेबल डिलीट कर देंगे, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा अननोन यूनिका स्प्रेडिंग होगी। क्या होगी? अननोन यूनिका स्प्रेडिंग क्या होती है? जब स्विच अपनी मैक एड्रेस टेबल क्या कर देता है? फ्लश। लेकिन यूजर्स के पास क्या पड़े होते हैं? अभी भी मैक एड्रेसेस। तो स्विच के पास आते हैं, स्विच डेस्टिनेशन देखता है उसको अपने टेबल में, नहीं मिलता तो स्विच क्या परफॉर्म करता है? अननोन यूनिका स्प्रेडिंग। मैंने उसको कहा, भाई देख मेरे को कन्वर्जेंस इतनी फास्ट मिल रही है कि मैं इस अननोन यूनिका स्प्रेडिंग को क्या कर सकता हूँ? फेस कर सकता हूँ। लाइफ में ऐसा होता है ना, एक चीज को पाने के लिए एक चीज को खोना पड़ता है। इट्स द सेम थिंग कि हाँ भाई अननोन यूनिका स्प्रेडिंग तो होगी, उस चीज से मैं मना नहीं कर रहा, क्योंकि स्विच की मैक एड्रेस टेबल डिलीट होगी तो उससे अननोन यूनिका स्प्रेडिंग होगी ही होगी, लेकिन मेरे को उससे कन्वर्जेंस क्या मिल जाएगी? बहुत। स्विच का क्या, मैक एड्रेस टेबल तो फिर भी बन जाएगी, ट्रैफिक फ्लो होता रहा तो मैक एड्रेस टेबल तो फिर भी बन जाएगी। इट इज लाइक दिस। ठीक है जी, ये था आपका RSTP और उसका कन्वर्जेंस मैकेनिज्म। थोड़ी सी बात करते हैं यार अब कि RSTP इंटर ऑपरेट कैसे करेगा, किसके साथ? PVST प्लस के साथ। देखो जी ध्यान से, ये स्विच 1 है, ये स्विच 2 है। स्विच 1 ने क्या किया, अपने इस पोर्ट से बाय डिफॉल्ट एक RSTP बीपीडी भेजा, प्रपोजल भेजा एक तरह से इसने। इस स्विच पे क्या चल रहा है? PVST प्लस। और मैं एक बात आपको बताना भूल गया, सॉरी, ये जो TCN BPD स्विच ने भेजा था ना, ये स्विच सिर्फ 2 बार भेजता है। कितनी बार भेजता? 2 बार, 3 बार के लिए वेट करता है अगर BPD रिसीव नहीं होता। तो स्विच क्या करेगा, पहले नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन BPD भेज रहा था, अब क्या करेगा, जैसे उसको टोपोलॉजी चेंज एक्सपीरियंस होगा, अपने डेजिग्नेटेड पोर्ट से या और अपने रूट पोर्ट से क्या सेंड कर देगा? TCN। सिर्फ कितनी बार सेंड करेगा? 2 बार। 2 बार में सारी टोपोलॉजी में स्प्रेड हो जाएगा। दिस थिंग इज क्लियर? भाई हेलो टाइम के इक्वल 2-2 सेकेंड के बाद 2 सेंड करेगा। फाइन, इसने प्रपोजल भेजा, PVST प्लस को प्रपोजल मिला। पहली बात तो PVST प्लस इस BPD को समझ नहीं पाएगा। अब PVST प्लस ने क्या करा, अपना BPD भेजा इसके इस पोर्ट। जैसे इस पोर्ट पे PVST प्लस मैक एड्रेस वाला BPD है, इसको पता चल गया भाई सामने का चल रहा है PVST। अब ये स्विच
अपने इस पोर्ट पे क्या लिख देगा कि नेबर स्विच पे क्या चल रहा है, पीवीएसटी प्लस, और इस पोर्ट पे अब एक्चुअली स्विच कैसे ऑपरेट करेगा, किसकी तरह, पीवीएसटी प्लस की तरह। आपकी लिसनिंग स्टेट, लर्निंग स्टेट सारी क्या रहेंगी, अब इंक्लूड होंगी, क्योंकि सामने वाला स्विच कैसे ऑपरेट कर रहा है, पीवीएसटी प्लस की तरह। मतलब इस पोर्ट को अब दोबारा पाने में कितने टाइम लगेंगे, 30 सेकंड, जो पहले हो रहा था वो दोबारा होगा। इसका मतलब अगर मैं एक आरएसटीपी स्विच को पीवीएसटी प्लस के बीच में छोड़ दूंगा, स्विचेस के बीच में छोड़ दूंगा, तो उनके जैसा ही वो हो जाएगा। संगति का फर्क तो पड़ता है आदमी पे। हाँ बिल्कुल सही बात कही इन्होंने। तो अगर मैं पीवीएसटी के साथ इंटर ऑपरेट कराना चाहता हूँ, तो एक बात का मुझे ध्यान रखना है कि पोर्ट क्या होना चाहिए, क्योंकि आरएसटीपी हाफ डुप्लेक्स पोर्ट्स पे काम नहीं करता। और मैंने आपको बता दिया पीवीएसटी प्लस के साथ इंटर ऑपरेट करेगा तो किसकी तरह करेगा, पीवीएसटी प्लस की तरह। ऐसा नहीं होगा, देखो लोग क्या सोचते हैं, ये स्विच है यहाँ, दोनों पे आरएसटीपी चल रहा, तो इन पोर्ट्स पे अभी भी किसकी तरह काम करेगा, आरएसटीपी की तरह, लेकिन इन पोर्ट्स पे कैसे काम करेगा, पीवीएसटी प्लस की तरह। जस्ट थिंग इज क्लियर। अब सब लोगों के लिए क्वेश्चन, कल तक का टाइम दिए। हाँ भाई ऐसा ही है, मजाक थोड़ा ना कर रहा हूँ, मुझे मजाक करके क्या मिलेगा, वो भी आप लोगों के साथ। हाँ ऐसे ऐसे आप तो पोर्ट पे कैसे चला दोगे पीवीएसटी, नहीं स्विच बेसिस पे चलता है, वरना तो लोग पता है वो क्या कर देंगे स्विच टू। हाँ मैं अपना क्वेश्चन पूछ रहा था, जो मेरा क्वेश्चन था, स्विच वन, स्विच टू, स्विच थ्री, कनेक्ट कर दिया मैंने तीनों स्विचेस को एक सिंगल सेगमेंट पर, लगा लो बीच में हब लगा रखा है, ठीक है, इसको क्या मान सकते हो आप, इस स्विच पे क्या चल रहा है, पीवीएसटी प्लस, इस स्विच पे क्या चल रहा है, आरएसटीपी, इस स्विच पे भी क्या चल रहा है, आरएसटीपी। अब ये दोनों स्विच अपना प्रपोजल भेजेंगे, लेकिन ये स्विच कैसा बीपीडी भेजेगा, तो इनको क्या लगेगा, सेगमेंट पे हमें क्या चलाना चाहिए, और ये अपने सेगमेंट पे क्या चलाने लग जाएंगे, पीवीएसटी प्लस, और ये बीपीडी भी किसके भेजने लग जाएंगे, पीवीएसटी प्लस के। एग्री। मैंने थोड़ी देर बाद क्या किया, इस पीवीएसटी प्लस वाले स्विच को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, और अभी भी आर वन और आर टू किस बोर्ड में बात करते रहेंगे, पीवीएसटी प्लस के केस में। तो मेरा क्वेश्चन क्या है, क्या कभी स्विच वन और स्विच टू को पता चलेगा कि तीसरा स्विच रिमूव हो गया और हमें वापस आरएसटीपी में आना है। यार समझो ना, देखो अब मेरी बात नहीं समझ रहे, तीन लोग थे, ठीक है, मैंने पहले कौन सा बीपीडी सेंड किया, प्रपोजल बीपीडी, आपने भी कौन सा सेंड किया, प्रपोजल आपने, उसने सेंड किया अपना पीवीएसटी प्लस का, उसका आपको भी मिला मुझे भी मिला, मैंने सोचा भाई ये तो पीवीएसटी प्लस चल रहा है, क्या चल रहा है, पीवीएसटी प्लस, तो मैंने अपने एंड पे क्या चलाया, पीवीएसटी प्लस चला लिया, आपने भी क्या चला लिया, पीवीएसटी प्लस, वो तो पीवीएसटी प्लस था ही। अब हम दोनों एक्चुअली कौन से बीपीडी भेज रहे हैं, पीवीएसटी प्लस के, उस स्विच को मैंने टोपोलॉजी से ही क्या कर दिया, बाहर कर दिया। हम बीपीडी अभी भी कौन से भेजते रहेंगे, और हम किस प्रोटोकॉल को यूज करते रहेंगे, पीवीएसटी प्लस को। मेरा क्वेश्चन क्या है, क्या कभी स्विचेस को पता चलेगा, टाइमर तो कोई है ही नहीं भाई, कहां पढ़ा दिया मैंने टाइमर, टाइमर तो कोई है ही नहीं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमने अपना दो स्विचेस ने अपना नेचर बदल लिया ना, दो स्विचेस क्या सोच रहे हैं, उस पोर्ट पे क्या चल रहा है एक्चुअली, पीवीएसटी प्लस, वो पीवीएसटी प्लस का बीपीडी भेजते रहेंगे। आंसर मैं ही बता देता हूं, ये स्विच कभी भी पता ही नहीं लगा पाएंगे कि ये पीवीएसटी प्लस वाला स्विच असली में क्या हो गया, गायब हो गया। आपको प्रोसेस को दोबारा क्या करना पड़ेगा इन स्विचेस पे, रीस्टार्ट, ठीक है जी। तो याद रखना, अगर आप एक मल्टी एक्स एक्स सेगमेंट पे एक पीवीएसटी प्लस का स्विच लगा देते हैं और बाकी आरएसटीपी चलते हुए स्विच है, एक बार वो उनकी वर्किंग बदल गया, संगति में एक ही आदमी खराब होता है, सबको खराब कर जाएगा, और वो सारे कभी ठीक नहीं हो पाएंगे, सबको मैनुअली क्या करना पड़ेगा, रीसेट करना पड़ेगा, ठीक है जी। ये कहानी मैंने भी पढ़ी थी कभी, मैं आपको डॉक दे दूंगा अगर आपको आरएसटी भी पढ़ना। सर ये जो इसमें स्टेट्स होते हैं डिस्कार्डिंग और ये, इनका क्या करना है, मतलब
दोनों तीनों को मिला के एक नहीं बनाई, मैंने आपको शुरू में बताया ना, आप ऑपरेशनल देखो, ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। हाँ भाई तीनों स्टेट एक ही काम कर रहे हैं, तीन स्टेट किस लिए, एक ही बनाओ ना। डेटा फ्रेम से जा रहे हैं। हाँ कुछ टाइमिंग मैंने आपको बताया, तो बिल्कुल इंस्टेंट होता है सब कुछ, और टाइम टाइम पे इलेक्शन चलता है टोपोलॉजी में। टोपोलॉजी डिवाइड हो जाती है, एक ट्री बनता है ना जैसे, वैसे टोपोलॉजी होती है। बीपीडब्ल्यू देख, मेरे पास प्रपोजल आया, मैंने एग्रीमेंट भेजा, एग्रीमेंट भेजते ही मैंने कोई लर्निंग स्टेट के लिए वेट नहीं किया, सीधा बोर्ड को क्या बना दिया, रूट को। एक्चुअली एसटीपी में क्या था, अगर तू ध्यान से समझता है, लिसनिंग स्टेट किस लिए थी, सारे टोपोलॉजी में रूट पोर्ट इलेक्ट हो जाए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ एक सेगमेंट में पहले क्या होगा, रूट पोर्ट इलेक्ट होगा, उसको नहीं लेना देना कि बाकी पोर्ट ब्लॉक पड़े पड़े रहे। मेरा ये पोर्ट तो वर्किंग में है, फिर दूसरा पोर्ट वर्किंग में है, फिर तीसरा सेगमेंट वर्किंग में है, फिर चौथा, ऐसे ट्री की फॉर्म में इलेक्शन क्या होते जाएंगे, चलते जाएंगे। बहुत माइक्रो सेकंड होता है, तभी होगा भाई। मैं अभी तेरे को दिखाऊंगा, मैंने आपको बताया ना, जैसे अगर मेरे को इन्फीरियर बीपीडब्ल्यू रिसीव हुआ, मैक्स इस टाइमर तो है ही नहीं, मैंने कभी 20 सेकंड के लिए वेट किया ही नहीं। कैसी नॉर्मल ले लेते हैं, एक मिनट रुक जाओ, चला रहा हूँ तीन। जो भी मेरे डीपी आर पी बनेंगे, हाँ मुझे तो कन्वर्जेंस फास्ट करनी है कि वो डीपीआरपी तेज इलेक्ट हो। रूट ब्रिज बीपीडब्ल्यू भेजता था ना वहाँ, सिर्फ वहाँ प्रॉब्लम क्या थी, जैसे बी को पता चलता था रूट ए है, बीपीडब्ल्यू भेजना बंद कर देता था, यही तो बात हमने की थी। लेट से बी ने ए को बता दिया, एग्रीमेंट भेज दिया, बी ने अपने स्पोर्ट को रूट पोर्ट बनाया, लेट द सेम टाइम स्पोर्ट को डिस्कार्डिंग में डाल दिया। अब बी स्पोर्ट से जो प्रपोजल भेजेगा वो अपना प्रपोजल है ना इसका, वो प्रपोजल थोड़ा ना जो ए इसको भेज रहा है, ए तो भेजे जा रहा है प्रपोजल, ये अपना प्रपोजल भेजे ना किसको, सी को। यार मैं वही तो आपको कहता हूँ, मैं समझा कैसे सकता हूँ इस चीज को आपको सेगमेंट वाइज। हाँ तो सेम टाइम ए और सी भी करेंगे, बी और सी में इलेक्शन होगा ही नहीं, सीधा डीपी और अल्टरनेट बन जाएगा आप लोग। पोर्ट बी क्या करेगा, इसको प्रपोजल भेजेगा, बी ने इसको प्रपोजल भेजा, सी को प्रपोजल यहां से भी मिला था, सी ने एग्रीमेंट भेज दिया, अपने इस पोर्ट को क्या बना लिया था रूट पोर्ट, सी को इधर से प्रपोजल मिला गया ना, सेम प्रपोजल क्या मिल रहा मुझे, सेम प्रपोजल इस वाले पोर्ट पे भी और इस वाले पोर्ट पे भी, तो देख रहे हो हाँ भाई इधर से कॉस्ट ज्यादा है, इसको क्या बना देगा अल्टरनेट, बात खत्म, समझने की बात है ना वो तो। जैसे आरपी की कंडीशन क्या कि मेरे शॉर्टेस्ट पाथ होना चाहिए रूट ब्रिज की, हां करेक्ट केस तो यहां पर भी होगा। हां अगर जो फर्स्ट जो इनिशियलाइज होगा वो तो इधर सेगमेंट वाइज पे होगा, तो यहां पर मेरे आरबी तो है नहीं, अभी आरबी अपने आप को कंसीडर करेगा, असली वाला अगर ए नहीं है बी अपने आप को कंसीडर करेगा, मैं आरबी बट एक्चुअली मेरा आरबी कौन है, ए है। बी अपने आप को क्यों कंसीडर करेगा, बी जब प्रपोजल भेज रहा सी में उसमें रूट ब्रिज की इंफॉर्मेशन किसकी है, ए की है भाई। पचास स्विच ले ले वो भी कन्वर्ज हो जाएंगे, मैं करके दिखा दूंगा। हाँ सब कुछ सेम रहेगा, डीपीआरपी इलेक्शन तू कहियो मेरे को नहीं आता, तू अपना पीवीएसटी प्लस के अकॉर्डिंग कर लियो। डीपीआरपी क्या रहेंगे, सेम। लेट्स से कुछ ऐसे देखो, ऐसे कनेक्टेड, अब तेरे को कैसे इलेक्शन स्टार्ट करा, बी ने भेजा प्रपोजल, सी ने भेजा प्रपोजल, सी ने इसको एग्रीमेंट भेज दिया, सी ने एग्रीमेंट इसको भेजा, इसका वोट डीपी बन गया लेट्स से, और इसका वोट क्या बन गया आरपी बन गया। सी के लिए अब रूट ब्रिज कौन आ गया, बी। सी ने बी को रूट ब्रिज बताते हुए प्रपोजल किसको भेजा, ए को, लेकिन ए ने खुद को रूट ब्रिज बताते हुए प्रपोजल किसको भेजा, सी को। अब सी क्या भेज देगा, एग्रीमेंट भेजेगा, अब सी जब एग्रीमेंट भेजेगा अपने स्पोर्ट को क्या बनाएगा, रूट पोर्ट, और अपने स्पोर्ट को रूट पोर्ट बनाएगा, इस टाइम पे स्पोर्ट को किस स्टेट में रखेगा, डिस्कार्डिंग स्टेट में, ए ने डीपी बनेगा। अब सी दोबारा प्रपोजल भेजेगा इसको,
बताते हुए कि भाई हाँ यू आर नॉट एक्चुअल रूट ब्रिज, हु इज रूट ब्रिज ए, और कॉस्ट भी फॉरवर्ड कर रहा है जिससे कॉस्ट हर स्टेप पे क्या होती जाएगी एड। ठीक है भाई, और कंफ्यूज करो बैकअप पोर्ट्स। मैंने आपको एक ही सिनेरियो बताया था, वो तभी होगा जब सेम स्विच की वायर सेम स्विच में आएगी, नॉर्मल कंडीशन में कभी बैकअप पोर्ट नहीं बनेगा। दिस थिंग इज क्लियर, कोई इशू आपको इसमें नहीं? मेरे से किसी ने एक बार सवाल पूछा था, सवाल क्या था, मैंने कभी ये चीज करके नहीं देखी, सिर्फ ये मेरा सोचना था कि ऐसा हो जाएगा। सवाल क्या था, एक स्विच है, इस पे एक यूजर वीलन 10 में, एक यूजर वीलन 20 में, इन दोनों को कम्युनिकेशन कराना है बिना इंटर वीलन राउटिंग के और बिना कोई और डिवाइस लिए, बिना आईपी राउटिंग एनेबल किए, कैसे करवाओगे? लेयर टू स्विच, बताऊं? एक पोर्ट लेना, इसको वीलन 10 का मेंबर बना देना, एक पोर्ट लेना, इसको वीलन 20 का मेंबर बना देना, इन दोनों पोर्ट्स पे वीलन 10 और 20 के लिए क्या बंद कर देना, एसटीबी लूप तो बनेगा ही नहीं क्योंकि ये क्या एक सिंगल स्विच है, एग्री? एक वायर लेना यहां से निकाल के यहां लगा देना। देखो ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब स्विच वीलन 10 वाला यूजर ब्रॉडकास्ट भेजेगा, 10 से रिसीव हुआ 10 वाले पोर्ट पे जाएगा, इस पोर्ट पे लर्न हो जाएगा, इस पोर्ट पे जब लर्न होगा इसके पास फॉरवर्ड हो जाएगा, और 10 और 20 आपस में क्या कर लेंगे, बात कर लेंगे। मैंने कभी पहले बोल दिया, मैंने प्रैक्टिकल नहीं किया हुआ, दिस इज जस्ट माय थिंकिंग, मेरे को लगता है ये काम कर जाएगा, क्योंकि मैंने 10 और 20 के लिए एचटीपी क्या कर दिया, बंद कर दिया, लूप कभी बनेगा नहीं, वरना तो क्या बन जाता, लूप बन जाता। रैक पे नहीं कर सकते आप इसको, लैब में कर सकते हो, सीसीएनए लैब में। हाँ बिल्कुल करो, मैं तो कहता हूँ मुझे भी बताओ, मुझे भी एक बात नहीं पता चले, हाँ वही होता करके देखना। ठीक है भाई, और कुछ पूछना चाहते हो? वरना आरएसटीपी तो हमारा क्या हो गया, फिनिश। मेरे को आरएसटीपी में आपको कुछ नहीं करके दिखाना, मेरे को आरएसटीपी में आपको सिर्फ चार ही चीज़ें वेरीफाई करानी है। मैंने आपको पढ़ा सारा दिया, प्रैक्टिकल में हम सिर्फ चार चीज़ें करेंगे। तो हम अपनी रैक को पिंक कर लेते हैं पहले भाई, कल पढ़ेंगे हम एमएसटी, बता देता हूँ क्या क्या पढ़ेंगे, एमएसटी मल्टी लेयर स्विचिंग, डीएससीपी इंटर वीलन राउटिंग, चार चीज़ें। ठीक है, ये आपका कल खत्म हो जाएगा, कल डे क्या है, थर्सडे, फ्राइडे को पढ़ाऊंगा मैं आपको एचएसआरपी और वीआरपी पूरा विद प्रैक्टिकल, मंडे को पढ़ेंगे हम जीएलबीपी पूरा। ठीक है जी, मंडे तक तारीख क्या हो जाएगी, 10 है आज, 14 हो गई, तो 20 भाई क्या फास्ट हो गया। एचएसआरपी वीआरआरपी सेम प्रोटोकॉल है, अपनी बुक में देखियो, बुक खोलियो पर फिर देखियो, फिर बात करियो ज्यादा हुआ या नहीं हुआ। अगली बार मंडे को जीएलबीपी, ट्यूसडे और वेडनेसडे को सिक्योरिटी, तारीख क्या हो गई, हाँ यार यही दिक्कत है, मैं यही फंसा हुआ हूँ, तुम्हें नहीं पता। ठीक है भाई, 20 को तो ट्यूसडे होगा, तो 22 की आपकी छुट्टी, ठीक है, कैसी क्वेरी, सिलेबस तो कंप्लीट हो। 21 को भाई सीधी बात बता रहा हूँ आपको, सिक्योरिटी पढ़ाऊंगा आपको, प्रैक्टिकल भी कराऊंगा, तो थोड़ा सा तैयार हो गया ना, 8:30 बजे तक क्लास लूंगा। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि आप छुट्टियों के बाद भी आओ, अगर आना हो तो आ जाना भाई, आपकी मर्जी है, बता देना मुझे, हैं वही मैं बोल रहा हूँ ना आपको, अगर सिलेबस तब तक कंप्लीट हो गया तो ठीक है, वरना मैं बुला लूंगा आपको बाद में। ठीक है जी, और मैं एक चीज और करूंगा अभी, कल बताऊंगा आपको सर, वही कुछ बताना सर, ये बताओ जी सर, ये सर बिलन 20 और 20 देख, मैंने क्या किया, इस स्विच पे स्पैनिंग ट्री ऑफ कर दिया हर विलन के लिए, मैंने इस पोर्ट को भी विलन 10 में कॉन्फ़िगर किया हुआ, इसको 20 में दोनों कम्युनिकेशन कराना है, तो मैंने एक वायर ली, इस पोर्ट पे लगाई विलन 10 में और इस पोर्ट पे लगाई विलन, इस पोर्ट को विलन 10 का मेंबर बनाया, इस पोर्ट को विलन 20 का, एक वायर ली यहां से निकाली और यहां वापस लगा दी, तो 10 का ब्रॉडकास्ट 10 पे फॉरवर्ड हो जाएगा, होगा जो 20 रिसीव कर लेगा, 20 का ब्रॉडकास्ट 20 पे फॉरवर्ड होगा जो 10 रिसीव कर लेगा, यही तो होता तरीका, बाकी मुझे पता नहीं है ज़्यादा, देखो चलें जी आगे प्रैक्टिकल करने, रैक कॉपिंग कर रहा था मैं, कौन सी है भाई, सही है,
तो आज भी लग रहा है कॉन्फ़िगरेशन वही मिलेगी। मैंने तो आपको पहले ही बताया था मैं कभी राइट नहीं मारता भाई, मैं राइट सिर्फ अपनी लैब एग्जाम देने गया था ना तभी मारता मैं राइट, बस राइट कभी नहीं मारा। क्या कह रहा है? ये ले भाई, ठीक है। कल भी ठीक है, कल किसने देखा? कल तो देखा ही नहीं भाई। एक मिनट यार, इस पे मेरे को पता करना है। नो ईटीपी, ईटीपी प्रेजेंट, उसके बाद वीलैन, डन। वीडियो मैंने डाला, मैंने कहीं सोचे कमांड कब चली, तो आप सब देख सकते हो। जैसे कि शो स्पैनिंग ट्री वीलैन 99 हमारा। ओके मैं आपको पहले ही बता देता हूँ प्रॉब्लम क्या है। नो स्पैनिंग ट्री मोड एमएसटी, नो स्पैनिंग ट्री एमएसटी कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब शो स्पैनिंग ट्री एक बार हम थोड़ा सा कमांड चला लें समरी। ये अपने आप कोई रूट बता रहा है, मान नहीं रहा है, मान जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। क्या पता हमने इसकी प्रायोरिटी कम कर रखी हो, हमने कल इसको रूट बना के छोड़ दिया था। शो स्पैनिंग ट्री वीलन 99, ये रूट कहाँ था, इसके बस का नहीं है रूट बनना। रूट अभी भी कौन है? स्विच दिख गया आपको 38 कॉस्ट। सारे स्विचेस पे बट ट्रंक लिंक चेक कर लूं, जैसे कि यहां पता चल रहा है ट्रंक लिंक अप इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 1/0/19-20 को मैंने इस पे क्या कर दिया, पहले नहीं किया था बस 1/1 किया था, 1/1 किया था बाकी वही मैं रहा हूं। कल भी रह गए थे यार ये शो इंटरफेस। अब सारे क्या बन गए इस पे ट्रंक, 2 पे चल के देखते हैं शो इंटरफेस ट्रंक, थ्री पे चल के देखते हैं, ठीक है जी, 4 पे चल के देखते हैं, 4 पे चल के देखते हैं ठीक है जी खत्म ही बात। शो स्पैनिंग ट्री व्हील है, रूट कौन है? स्विच 4, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं,
आपको बताता हूँ मैं सबसे पहले कि स्पैनिंग ट्री मोड कैसे चेंज करते हैं। कमांड होती है स्पैनिंग ट्री मोड रैपिड पीवीएसटी। आरएसटीपी आपको कहाँ मिलेगी? ओपन विंटर के स्विचेस पे, ठीक है जी। तो सेम कमांड अभी किस पे चलानी है? स्पैनिंग ट्री मोड रैपिड रख रखा है, रैपिड भी इन्होंने स्पेलिंग सही नहीं लिखी, देखो। डन, स्विच फोर पर भी हमने आगे क्या चला दिया? डन, चारों स्विचेस पर हमने कौन सा प्रोटोकॉल चला दिया? आरएसटीपी। तो हम चेंज देखते हैं जी, प्रोटोकॉल कौन सा चल रहा है, कुछ खास फर्क दिख रहा है यहाँ रिजल्ट में? कोई खास फर्क दिखाओ किसी को, नहीं। ये रिजल्ट अभी भी क्या है? सेम। अब आपको यहाँ दिख रहे हैं टाइमर्स, बट याद रखना है टाइमर्स अब यूज नहीं हो रहे, ये टाइमर्स अब यूज नहीं होंगे। द थिंग इज क्लियर? ठीक है जी, कोई दिक्कत आपको इस चीज को समझने में? नहीं। सबसे पहली चीज जो मैं आपको दिखाऊंगा वो ये है कि यार अगर मैं इस स्विच के रूट पोर्ट को डाउन कर दूंगा जो कि क्या है 21, तो साथ के साथ दूसरा पोर्ट क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? साथ के साथ। इट विल नॉट टेक मच। कैसे डाउन करूंगा? साथ के साथ ही क्या बन गया? नया रूट और किस पोर्ट स्ट्रेट में आ गया? कोई प्रॉब्लम किसी को इस बात को समझने में? ठीक है, अब इसके रूट को दोबारा आप कर देते हैं। इक्कीस पाया, अब आता है 21 क्या बन गया? रूट और सीधा किस में आ गया? ठीक है जी, अपलिंक फास्ट की कोई जरूरत नहीं, पहली प्रॉब्लम रिजॉल्व। दूसरी बात देखते हैं इस केस में अब कि अगर स्विच को अपने ब्लॉक पोर्ट पे क्या रिसीव होता है? इन्फीरियर बीपीडी, तो उस केस में क्या होता था? वो 20 सेकंड के लिए क्या करता था? वेट। ये साथ के साथ क्या ले लेता है? एक्शन। हमने बात पढ़ी थी, तो इन्फीरियर बीपीडी अगर मुझे 19:20 पे रिसीव कराना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? स्विच 3 और 4 के बीच के लिंक को क्या करना पड़ेगा? डाउन। देखो हमारी टोपोलॉजी क्या, अभी समझो। स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3, स्विच 4, 21, 22, 21, 22, 19, 20, 19, 20। मैं चाहता हूँ कि स्विच 1 अपने 19:20 पे क्या रिसीव करे? इंफीरियर बीपीडी, तो मुझे स्विच 3 और 4 के बीच के लिंक को लगाना पड़ेगा। प्रोटोकॉल कौन सा चल रहा है? इन स्टेट्स की अब कोई मायने नहीं है, याद रखना, ठीक है। अब हम चलते हैं, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक और वो ले लेता हूँ, क्रिकेट सेशन बोल लेता हूँ। देखो जी, इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/21 से 22 को मैंने क्या कर दिया इस पर शट करने से पहले शो स्पैनिंग ट्री वी 99 हम ऊपर कर लें, ठीक है जी। अब हम चलते हैं स्विच शट मारा, साथ के साथ पोर्ट किसमें आ गए? डेजिग्नेटेड में, और इलेक्शन भी हो गया। इलेक्शन भी क्या हो गया? जो बनने थे पोर्ट वो बन गए यार। अकॉर्डिंगली जब
आप इन दो लिंक्स को डाउन कर दोगे तो टोपोलॉजी कैसी बन जाएगी, इनमें से एक पोर्ट रूट पोर्ट बनेगा और दूसरा पोर्ट क्या जाएगा, डाउन जाएगा स्विच थ्री पे, लेकिन इसके तो दोनों क्या बनेंगे, डीपी। तो दिखाता हूँ मैं आपको क्या आ गया, डीपी और किस स्टेट में, दोनों फॉरवर्डिंग स्टेट में। और कुछ टाइम पहले स्टेट क्या थी, एक डीपी थी और दूसरा किसमें था, ब्लॉकिंग में। सेम बीपी डी रिसीव हो रहा था ना दोनों पे, तभी उसने दूसरे पोर्ट को किस स्टेट में डाल दिया था, ब्लॉकिंग। अब उसको पता चला भाई बीपीडीयू अलग अलग पोर्ट से आ रहे हैं, तो उसने स्टेट क्या कर दी उसकी भी, डेजिग्नेटेड फॉरवर्डिंग। दोनों किस में आ गए, डेजिग्नेटेड फॉरवर्डिंग में। ये देख सकते हो आप, जब मैं इन लिंक्स को डाउन करूंगा दोनों पोर्ट्स क्या बन जाएंगे, डीपी बन गए ना, डीपी साथ के साथ। जैसे इनफीरियर बीपीडीयू रिसीव हुआ, इन्होंने बिल्कुल भी 20 सेकंड का वेट नहीं किया। तो अगर उन पोर्ट्स को अप करूंगा फिर देखना दोबारा इलेक्शंस हो जाएंगे, ये चीज भी आप वेरीफाई कर सकते हो। पोर्ट्स को मैंने क्या किया, शो स्पैनिंग ट्री व्हील 99। इसके दोनों अपने डीपी बन गए 21 22, यहाँ डीपी बने, ये क्या आ गए, अल्टरनेट ब्लॉक एट द सेम टाइम, बिल्कुल भी इन्होंने वेट नहीं किया। दूसरी बात हमने पढ़ी थी यार कि अगर ये स्विच, अब वो केस तो मैं आपको दिखा ही नहीं सकता 6 सेकंड वेट वाला, क्यों, मैं बीपीडीयू को मिस कैसे कराऊं, ये पॉसिबल नहीं। अब अगली बात आती है, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं कि लेट से मैं इंटरफेस FA1/0/19 पे क्या करता हूं, डुप्लेक्स हाफ कर देता हूं, क्या कर देता हूं, शो स्पैनिंग ट्री डुप्लेक्स हाफ करते ही टाइप क्या हो गई, शेड। शेड टाइप पे कभी भी आरएसटीपी काम नहीं करती। अगर आप मैनुअली हाफ डुप्लेक्स होते हुए भी इसकी टाइप क्या करना चाहते हो, पॉइंट टू पॉइंट, तो कमांड होती है स्पैनिंग ट्री लिंक टाइप पॉइंट टू। ये एक हाफ डुप्लेक्स पोर्ट को पॉइंट टू पॉइंट ट्रीट कराने के लिए मैं उस पर क्या चला पाऊं, आरएसटीपी, शो स्पैनिंग ट्री। अब ये क्या बन गया, पॉइंट टू नहीं नहीं अभी भी काम, मैं सिर्फ धोखा दे रहा हूँ आरएसटीपी को, झूठ बोल रहा हूँ, इट इज वर्किंग एज पॉइंट टू पॉइंट, आरएसटीपी उस पर काम कर ले। नेक्स्ट थिंग इज टोपोलॉजी चेंज बिहेवियर, अगर मैं देखना चाहता हूँ ठीक है जी, तो ये कैसे देख सकता हूँ, स्पैनिंग ट्री डीबग स्पैनिंग ट्री इवेंट्स, फाइन इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 1/0/ लेट्स से, इस पे तो फायदा ही नहीं होगा, रूट को चेंज करो तो फिर भी कोई फायदा नहीं होगा, रूट को डाउन कर, डाउन कर देता हूँ। 21 को मैंने क्या कर दिया, 21 नहीं है करंट रूट, क्या कह रहा है, अपडेट रोल किया इसने अपने रूट पोर्ट के, क्या जा रहा है, डाउन जा रहा है, नया रूट पोर्ट किसको बना दिया, 22 को, 21 डाउन जा रहा है, नया रूट पोर्ट किसको बना दिया, 22 को, 21 डाउन जा रहा है, नया रूट पोर्ट किसको बना दिया। सेम बात है, 3 बार लिखी हुई है, मेरी क्या गलती है इसमें, टाइम भी क्या यार देखो सेम है, रिएक्शन फास्ट ही इतना है उसका। अब क्या कह रहा है, नए पोर्ट से क्या जनरेट कर दिया, टीसी क्या जनरेट कर दिया, नया रूट कौन बना होगा भाई, चेक कर लो नया रूट कौन बना, ठीक है जी, दिस थिंग इज क्लियर, नए रूट से टीसीएन चला गया। अगर ये सेम चीज मैं आपको दोबारा करके दिखाऊं, रुको एक मिनट, मैं स्विच थ्री पे हूं, मैं इधर से स्विच कौन से का एक्सेस ले लेता हूं, टू का, ठीक है जी। अब मैं इंटरफेस FA1/0/19
0/20 मैं दोबारा ये कर देता हूँ, अब देखो 21 डाउन पड़ा था, एग्री 21 डाउन पड़ा था, एक मिनट थोड़ा सा इसको ऊपर करने दो मेरे को, ठीक है थोड़ा सा और ऊपर, इस पर यार बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, मैं दिखाना चाहता हूँ सब कुछ, वेट फॉर अ मिनट, दोनों को लगा लेते हैं, यहाँ तो ऊपर ज़्यादा है नहीं कुछ, ये मेरा स्विच कौन सा है, 1, 21 डाउन गया, एक मिनट मैं देख लूँ, मैं नो शर्ट की बात कर रिजल्ट दिखाना है आपको स्पेशली, नो शर्ट की बात करिए सारा, मैं नो शेड किया बोर्ड को, इनिशियलाइजिंग पोर्ट, अब 21 क्या मेरा, क्योंकि पोर्ट अब आते ही सीधा रूट पोर्ट थोड़ा बन जाएगा, पहले क्या बनेगा, डेजिग्नेटेड, डेजिग्नेटेड बनाया, डेजिग्नेटेड के बाद उसने क्या किया, ट्वेंटी वन इज नाउ रूट पोर्ट, रूट पोर्ट 22 को क्या कर दिया ब्लॉक, अब 22 क्या बन गया, सुपीरियर रिसीव सुपीरियर बीपीडी ऑन 21, 22 दोबारा वो सेम बात बोल रहा है, यार एक मिनट क्यों कर रहे हो, सेम बात फिर बोल रहा है, टीसीएन भेजा इसने 21 से, क्योंकि 21 मैंने अप किया, 22 डाउन हुआ, 22 डाउन किया तो उसका टीसीएन किससे गया, 21 से, अब देखो ये पढ़ो क्या लिखा हुआ है, ट्रांसमिटिंग एन एज अ रिस्पॉन्स ऑफ अ प्रपोजल, ये पूरा नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ यार, एज अ रिस्पॉन्स ऑफ अ प्रपोजल, ठीक है जी, ट्रांसमिटिंग एग्रीमेंट ऑन पोर्ट नंबर ऑन अ रिस्पॉन्स ऑफ प्रपोजल, ट्रांसमिटिंग एग्रीमेंट ऑन पोर्ट नंबर 21 एज अ रिस्पॉन्स ऑफ प्रपोजल, ठीक है जी, रूट पोर्ट बनाया, रूट पोर्ट बनाने के बाद अपने सारे नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट्स को ब्लॉक किया जो पहले ही ब्लॉक पड़े हुए हैं, ठीक है जी, फिर क्या भेजा उसको सामने वाले को, एग्रीमेंट, VLANs के लिए, हाँ जी ये STP के लिए, TCN जनरेट हो रहा है, दिस इज ऑल अबाउट TCN, फाइन, अब देखो इसको रीड करते हैं, हम ये स्विच 2 पे चेंजेस देख रहे हैं, एक्चुअली स्विच 2 पे क्या हुआ, पोर्ट नंबर 21 अप आया, 21 को उसने अप आते ही क्या मान लिया, डेजिग्नेटेड माना, डेजिग्नेटेड मानते ही क्या सेंड कर दिया, प्रपोजल रिसीव्ड एन एग्रीमेंट, मतलब सामने वाले स्विच ने कैसा बीपीडी भेजा था, इंफीरियर, और मैंने कैसा भेजा था, सुपीरियर, तभी उसने मेरा बीपीडी रिसीव करते ही क्या भेज दिया, एग्री, ठीक है भाई, इतनी बात और क्लियर हो गई, अब कोई प्रॉब्लम इसमें आपको, हाँ जी डीबग स्पैनिंग ट्री इवेंट्स, एक चीज और लास्ट थिंग फॉर टुडे, अब ध्यान से देखना, मैं क्या करूंगा, स्विच 1 पे स्टैंडिंग ट्री मोड क्या चला दूंगा, PVST, PVST चलाते ही लिसनिंग लर्निंग वाले रोने पे दोबारा आ गया, भाई तुम्हारे सामने है, मैं भी मजाक करना कर रहा हूँ, आ गया लिसनिंग भी जाऊंगा, लर्निंग भी जाऊंगा, रोऊंगा भी, ब्लॉकिंग में भी जाऊंगा, फिर वो तो करेगा ही भाई, अब ये सब करना पड़ेगा इसको, इसके पास चारा नहीं है ना भाई, शो स्पैनिंग ट्री व्हील है, अब देखो जी ध्यान से क्या बता रहा है, 3 से 19, 20 पे 1 कनेक्टेड है, क्या कर, क्या बता रहा है कि पीयर पे क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, STP, तो इस पीयर के साथ ये कैसे ऑपरेट करेगा, PVST प्लस के तरीके, कैसे ऑपरेट करेगा, PVST प्लस के तरीके से, दिस थिंग इज क्लियर, अब टाइमर जो होंगे इन पोर्ट्स पे वही चलेंगे आपके, लिसनिंग लर्निंग और फॉरवर्डिंग, कैसे पता करोगे आप इस बात को, इन लिंक्स को क्या मार दो एक बार शट, और क्या कर दो एक बार, ओ इन द नो शट, भाई तो ब्लॉकिंग में बहुत देर तक रह गए,
अब इसमें आ गए भाई, ब्लॉकिंग वो इसलिए दिखा रहा था, डिस्कार्डिंग वाले लिस्निंग स्टेट नहीं दिखाएगा ना यहाँ पे, क्योंकि स्विच पे चल क्या रहा है RSTP, ठीक है जी, वो ब्लॉक दिखा रहा था लिस्निंग की बजाय बहुत देर तक। अब किसमें आए हैं, फॉरवर्डिंग में, पोर्ट को पाने में फिर कितना टाइम लगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे पूछता है कोई, मैंने एक स्विच पे ना RSTP चला रखा फिर भी उसके पोर्ट 30 सेकंड ले रहे हैं पाने में, तो क्या कह सकते हो, या तो उस उन पोर्ट्स पे पोर्ट फास्ट नहीं चल रहा। अगर पोर्ट फास्ट नहीं भी चलेगा तो कैसे करेंगे, नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट, फिर भी 30 सेकंड कभी नहीं लेंगे पाने के लिए, याद रखना। सिर्फ एक ही केस होगा कि नेबरिंग स्विच पे क्या चल रहा है, PVST प्लस, ठीक है जी, और इस स्विच पे क्या चल रहा है, RSTP, तभी पोर्ट कितना टाइम लगेगा पाने में, 30 सेकंड, ठीक है जी।